CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दादाजी केसरी की कहानी सुनाएंगे। आलेख SS कपूर का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज तुमसे मिलने आ रहे हैं तुम्हारे दादाजी। बच्चों राम राम। राम राम दादाजी। हाय राम 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 राम। प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाएं। पर ध्यान से सुनना कहानी। आज मैं कहानी सुनाने के बाद तुमसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। ध्यान से सुनना कहानी और उनके जवाब देना। दादाजी जरूर देंगे जवाब, कहानी तो सुनाइए। बच्चों पहले जरा जोर से तालियां बजाओ। बजाओ ताली। बस 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 बस, अब सुनो कहानी। बच्चों एक थी लड़की, उसका नाम था केसरी। प्यारे बच्चों, केसरी के पिता शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते थे। उसकी माँ कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती थी। तो प्यारे बच्चों एक दिन की बात है, केसरी और उसकी माँ जंगल में लकड़ियां काटने गई। केसरी की माँ लकड़ी काटने में लग गई। थोड़ी देर बाद केसरी अपनी माँ से बोली, माँ माँ मैं जरा घुमाऊं। तो माँ बोली, बेटी ज्यादा दूर मत जाना, आगे बहुत घना जंगल है, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। तो केसरी ने माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी। ये कहकर केसरी घूमने चल दी। आगे जाकर प्यारे बच्चों जानते हो क्या हुआ, वो रास्ता भूल गई, इधर उधर भटकने लगी। चलते चलते दूर जंगल में उसे एक मकान दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बोलो? मकान। उसे एक मकान दिखाई दिया। पास जाकर केसरी ने देखा, उस मकान में एक दरवाजा था। केसरी ने पहले दरवाजा खटखटाया। खटखट 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 खट। तो प्यारे बच्चों अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो उसने हाथ से खिड़की को धकेला। तो जानते हो बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, खिड़की खुल गई। केसरी खिड़की के रास्ते से अंदर चली गई। घर में कोई नहीं था। वो और अंदर गई तो उसने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? ओए होए, तो इसमें पूछने की क्या बात है। थालियों में गोल गोल पूड़ियाँ रखी थी, कटोरियों में सब्जी और खीर। हाँ दादाजी, खीर, मजा आ गया। केसरी ने वो सब खाया कि नहीं?
अरे बताता हूँ, पर इसमें बताने की क्या बात है। प्यारे बच्चों, खाने को देखते ही केसरी के मुंह में पानी आने लगा। केसरी की नजर जब दूसरी ओर पड़ी तो वहां भी इसी तरह का खाना परोसा हुआ रखा था। वो कभी इस थाली में से खाती तो कभी उस थाली में, किसी थाली से पूड़ियां खाई तो किसी में से सब्जी। दादाजी, खीर का क्या हुआ? ओए होए, अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है। खीर तो केसरी ने बड़े मजे से खाई। जब केसरी ने पेट भरकर खा लिया तो उसे नींद आने लगी। क्या आने लगी? नींद आने लगी। उसने देखा कि पीछे एक और कमरा भी है। केसरी ने उसका दरवाजा खोला तो जानते हो क्या देखा? क्या देखा? वहाँ तीन चार पाइयाँ। तीन चार पाइयाँ? हाँ, वहाँ तीन चार पाइयाँ बिछी थी। पहले केसरी सब चार पाइयों पर खूब कूदी। आहा, ओहो, कूदती रही। फिर एक छोटी सी चार पाई पर जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद बाप भालू, माँ भालू और बच्चा भालू अपने घर में आए। जानते हो बच्चों फिर क्या हुआ? घुसते ही उन्हें लगा कि हमारे घर में कोई आया है। भालुओं ने कमरे के चारों कोनों में देख लिया पर कोई नजर नहीं आया। भालू जब दूसरे कमरे में गए तो देखा थालियों में रखा हुआ खाना भी थोड़ा थोड़ा खाया गया है। किसी थाली से पूड़ियां गायब थीं, तो किसी में सब्जी नहीं थी और खीर तो सारी ही खत्म थी। सब भालुओं ने सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे घर में आ जाए। अरे आज तक तो किसी ने हमारे घर में घुसने की हिम्मत नहीं की। भालुओं ने इस कमरे के भी चारों कोने देखे पर कोई नजर नहीं आया। इसके बाद जानते हो क्या किया भालुओं ने? क्या किया? ओए होए, तो इसमें पूछने की क्या बात है। वे तीसरे कमरे में गए। पहले भालू ने अपनी चारपाई देखी, वहां कोई नहीं था। फिर उनकी नजर बच्चा भालू की चारपाई पर पड़ी। वहां केसरी चादर ओढ़े सो रही थी। तो बच्चों, तीनों भालू एकदम केसरी की चारपाई के पास आकर खड़े हो गए और खी 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 करने लगे। भालुओं की आवाज सुनकर जब केसरी ने अपने मुंह से चादर हटाई तो देखा कि उसकी चारपाई के पास भालू खड़े हैं और केसरी को घूर रहे हैं, खी 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 कर रहे हैं। केसरी एकदम डर गई। भालू ने गुस्से से पूछा, हाय हप, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आयो? केसरी ने भालुओं को बताया, भालू राजा, मैं यहाँ जंगल में अपनी माँ के साथ लकड़ी काटने आई थी। मेरी माँ लकड़ी काटने में लग गई। मैं जंगल में घूमने लगी और अपने घर का रास्ता भूल गई। भूख लगी तो आपके घर में आ गई।
आपका खाना भी खा लिया। मुझे माफ कर दो भालू राजा, मुझे माफ कर दो। केसरी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर भालुओं का सारा गुस्सा गायब हो गया। दादाजी, भालुओं ने केसरी को माफ कर दिया? हाँ प्यारे बच्चों, भालुओं ने केसरी को माफ कर दिया। भालू उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, अरे डरो मत लड़की, हम जंगल के सारे रास्ते जानते हैं, हम तुम्हें अभी तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। बच्चों, भालू ने केसरी को अपनी पीठ पर बैठाया और उसके घर पहुंचा दिया। प्यारे बच्चों, ये तो हुई कहानी। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम सब उनके जवाब दोगे। प्यारे बच्चों, ये बताओ कि केसरी जंगल में किसके साथ गई थी? हाँ हाँ बताओ बताओ। दादाजी मैं बताओ? हाँ हाँ बताओ। केसरी जंगल में अपनी माँ के साथ गई थी। हाँ शाबाश शाबाश। अब भाई दूसरा सवाल सुनो, केसरी किसके घर में घुस गई थी? बताओ बताओ, केसरी किसके घर में घुस गई थी? भालू के घर में। हाँ भालुओं के घर में। भाई वहाँ ये बताओ कि उसने क्या क्या चीज खाई? पूरी सब्जी खीर खाई। हाँ शाबाश, पूरी सब्जी और खीर। अच्छा प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये बताओ कि भालुओं को गुस्सा क्यों आया? अरे केसरी ने भालुओं का खाना खा लिया था। हाँ शाबाश, अरे तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो। अच्छा प्यारे बच्चों, एक सवाल और बताओ, केसरी को उसके घर किसने पहुंचाया? फिर सुन लो, ध्यान से सुनो, केसरी को उसके घर किसने पहुंचाया? हाँ हाँ बताओ बताओ। भालू ने। हाँ शाबाश, भालू ने अपनी पीठ पर बैठाकर केसरी को उसके घर पहुंचाया। भाई केसरी तो अपने घर पहुंच गई, मुझे भी तो अपने घर जाना है। प्यारे बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। हाँ राम राम। राम राम दादाजी। हाँ राम राम। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।